हूं अंकुर और आप देख रहे हैं satyahindi.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 1074 लोग कोरोना वायरस से उभरे हैं, जो अब तक एक दिन में ठीक होने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 42,553 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1373 है, जबकि कुल ठीक होने वालों का आंकड़ा 11,706 हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले 12,974 हो गए हैं, जबकि 551 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 5,428 हो गया है और कुल 293 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 4,549 लोग संक्रमित हो चुके हैं तो तमिलनाडु में आंकड़ा 3,023 हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिक संदेश पोस्ट करने को लेकर 3 और भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया अथवा निलंबित कर दिया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ही खाड़ी देश में मौजूद भारतीय राजदूत ने प्रवासियों को सोशल मीडिया पर इस तरह के भड़काऊ संदेश डालने को लेकर चेताया था। लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत के पहले दिन शराब की दुकानों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। भारी संख्या में लोगों के जुटने से पुलिस को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई जगहों पर लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। यही नहीं, कई जगह पर शराब की दुकानों को बंद तक करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों का उनके राज्यों में आने का ट्रेन खर्च कांग्रेस उठाएगी। सोनिया ने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से सरकार द्वारा किराया वसूले जाने को लेकर सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इस तरह की स्थिति हमारे सामने आई है। उन्होंने पूछा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी। प्रवासी मजदूरों से रेलवे की ओर से किराया वसूलने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पूछा है कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य छोड़ने के लिए रेल किराया वसूलने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। स्वामी ने कहा कि भारत सरकार की एक ऐसी संवेदनहीनता है कि भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों से रेल किराया वसूल रही है। जो भारतीय विदेशों में फंसे थे उन्हें फ्लाइट से मुफ्त में वापस लाया गया। अगर रेलवे अपने फैसले से नहीं हटती है तो पीएम केयर्स के पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार लौटने वाले मजदूरों को 21 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। इन लोगों को इस दौरान बिहार सरकार की ओर से हजार रुपए भी दिए जाएंगे। नीतीश कुमार के मुताबिक अब तक 19 लाख लोगों को हजार रुपए दिए जा चुके हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की इस साल होने वाली प्रारंभिक परीक्षा फिलहाल के लिए टाल दी गई है। परीक्षा के लिए अगली तारीख की घोषणा 20 मई को की जाएगी। इससे पूर्व परीक्षा के लिए 31 मई की तारीख तय की गई थी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रारंभिक परीक्षा को टालना पड़ा है। सोमवार को भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में चुनाव कराने के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेहद सख्त आपत्ति जताई है। भारत ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र भारत का वैध व अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था का उसको लेकर फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को इसके साथ ही इस इलाके को खाली करने को भी कहा है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 35,84,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,48,000 से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा करीब 11.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 11,88,000 को पार कर गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 68,000 से ज्यादा है। तो स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 2,45,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 25,000 से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा इटली में कुल मरीजों की संख्या 2,10,000 से ज्यादा है तो मरने वालों का आंकड़ा 28,000 से ज्यादा है। करीब 2 महीने के बाद इटली ने लॉकडाउन की पाबंदियों में थोड़ी राहत दी है। अब लोग अपने आसपास निकल सकते हैं। यह भी उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन में ढील दिए जाने से करीब 40 लाख लोग काम पर लौटेंगे। कोरोना वायरस के इटली में अब तक 2,10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 28,884 लोगों की मौत हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए satyahindi.com के साथ।